सो हे गाइस एंड यार वेलकम बैक। तो आज हम लोग खेलने वाले पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू को पूरे 100 आवर्स के लिए, एंड मुझे जितना भी कुछ करना है इसी 100 आवर्स के अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो मैं चैलेंज हार जाऊंगा। लेकिन हम लोग खेलने वाले लेट्स गो पिकाचू का GBA वर्जन, और ऐसा नहीं है कि मैं इसका रियल वर्जन नहीं खेल सकता हूँ। तुम लोग देख सकते हो मैं इसका रियल वाला भी खेल सकता हूँ, बट PC में इसको खेलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे इसे सीखना पड़ेगा। और तब तक के लिए हम लोग GBA को कंप्लीट करने वाले, और इसके बाद लेट्स गो पिकाचू का रियल वाला भी आएगा। और तब तक के लिए इसमें कुछ रूल्स भी ऐड करूंगा, तो क्या रूल है सुन लो पहले। सबसे पहला रूल है कि मुझे 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच करना है। सो सेकंड रूल है कि मुझे अपनी टीम के हर एक पोकेमॉन का लेवल 100 तक ले जाना पड़ेगा, और ये पॉसिबल है क्योंकि हम लोग को इस गेम में सभी पोकेमॉन्स का EXP हर एक बैटल में सेम मिलता है, तो यार काफी ज्यादा इजी होगा। इसके बाद थर्ड रूल है कि मुझे अपनी टीम में एक अल्ट्रा बीस्ट को कैच करना है और या फिर अपनी टीम में रखना है। फोर्थ रूल होगा कि मुझे कांटो का चैंपियन बनना है। सो फिर आ जाओ यार अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। सो यहाँ से हम लोग का गेम शुरू हो जाता है, और यहाँ पे अपना नेम डालने के बाद राइवल का नेम मैंने केविन रख दिया है। उसके बाद अपना एडवेंचर यहीं पे शुरू हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पे प्रोफेसर ओक मुझे बीच रास्ते पे ही रोक लेते हैं। इनके रोकते ही मैं समझ जाता हूँ कि अभी हम लोग को अपना स्टार्टर पोकेमॉन चूज करना है, तो फिर आ जाओ भाई देखते हैं क्या हो सकता है वो। ऑफ कोर्स मैन, ये होगा एक पिकाचू। तो यहाँ पर हमारे पास पिकाचू आ चुका है। हमारे पास पिकाचू आने के बाद तो भाई अपने सर पे पिकाचू ऑलरेडी है वैसे तो। उसके बाद यहाँ पर राइवल रोक लेता है बैटल के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके पास 3 लेवल का EV, तो हाँ भाई इसको भी मारते हैं हम लोग। इसको हराने के बाद हम लोग यहाँ पर निकल जाते हैं बाहर यहाँ से, और रूट 1 पे हूँ मैं अभी। और इसके बाद मैं जाता हूँ पोकेमार्ट वरीडियन शहर में, और यहाँ से प्रोफेसर ओक का पार्सल लेके इनको डिलीवर भी कर देता हूँ। इनको इनका पार्सल डिलीवर करने के बाद यहाँ पर राइवल आ जाता है, और तभी प्रोफेसर ओक हम दोनों को ये पोकेडेक्स और पोकेबॉल्स दे देते हैं। इनका पोकेबॉल लेने के बाद मेरे अंदर ना जोश आ गया है कि हम लोग अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स पकड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे TGTV वाले अंकल ढूंढ लेते हैं हम लोग को, एंड यहाँ पे हम लोग को भाई सिखाने वाले पोकेमॉन कैसे पकड़ते हैं। तो फिर आ जाओ भाई हम लोग भी देख लेते हैं कैसे पकड़ते हैं। अच्छा अच्छा अंकल, मुझे पता ही नहीं था। ठीक है ओके गाइज, यहाँ से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, और इससे मैं बात करता हूँ तो ये मुझे एक सोबल पोकेमॉन दे देता है। ओ माय गॉड, ये तो फर्स्ट जिम में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। इसके बाद मैं आ पाता हूँ रूट 22 पे, बिकॉज यहाँ पे लेट्स गो पिकाचू में यहाँ पे हम लोग म्यू पकड़ सकते हैं यहाँ पे। तो आ जाओ भाई इस देखते हैं यहाँ पे क्या है। इस बंदे से बात करनी होती है हमें, और यहाँ पे शायद से हम लोग यहाँ पे म्यू से बैटल कर पाएंगे। वैसे मैं पहली बार खेल रहा हूँ। अरे भाई सही में आ गया म्यू। ठीक है यहाँ पे म्यू आ चुका है, यहाँ पे थंडर शॉक किया, बट यहाँ पे म्यू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, एंड ये एक शाइनी म्यू है। तो हाँ यार ये तो अपने जैसा बन गया भाई। तो यहाँ पे पोकेबॉल फेंक के देखता हूँ मैं, क्या पता आ जाए। अरे भाई साहब नहीं आ पाया यार, वो 5 लेवल का है लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज वो मिथिकल पोकेमॉन म्यू है। और यहाँ पे ये तो अपने ही भेषभूषे में है, लेकिन मैं हार गया भाई वहाँ पे। और यहाँ पे राइवल को हरा देते हैं हम लोग, और यहाँ पे भाई मैं तो म्यू नहीं पकड़ पाया। अगर आप लोग म्यू को पकड़ने में सक्सेसफुल रहे हो तो नीचे कॉमेंट करके जरूर से बताना, मैं भी आप लोग के कॉमेंट्स को रीड करूंगा। इसके साथ ही मैं सोबल को भी ट्राई करता हूँ, एंड जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था इसमें EXP सबको बराबर मिलती है, और काफ़ी बार ऐसा होता भी है, काफ़ी बार ऐसा नहीं भी होता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम मैंने यही चीज नोटिस की इस गेम में। यहाँ पे मैं एक रुकीडी को कैच करने वाला हूँ, बिकॉज ये हम लोग को आगे मदद कर सकता है फ्लाई के टाइम पे। तो वहाँ HM यूज करने के लिए मुझे यहाँ पे इसको पकड़ना पड़ेगा। इसके बाद मैं इसको एक ही पोकेबॉल फेंक के पकड़ लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी बार होता है ऐसे GBA हैक्स में कि हम लोग 10-10 पोकेबॉल फेंक देते हैं लेकिन पोकेमॉन नहीं मिलता। इसके बाद वरेडियन फॉरेस्ट में आ जाता हूँ मैं, एंड यहाँ पे हम लोग को एक पोशन मिलता है, तभी एक बग कैचर मुझे रोक लेता है। लेकिन इसको भी हम लोग को हराना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग को लेवल अप करना है। यहाँ पर मैं सोबल से इसलिए खेल रहा हूँ बिकॉज हम लोग को फर्स्ट जिम में सोबल बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, डैट्स वाई हम लोग को सोबल का लेवल अप भी करना पड़ेगा। और पिकाचू का तो करना है, बिकॉज सेकेंड जिम में ये भी हम लोग का काम आएगा, और रुकी भाई आगे हम लोग को हेल्प करेगा। इसके बाद यार मैं इसको मार देता हूं। इसके बाद इसको हराने के बाद यहाँ पे नर्स जॉय से हम लोग यहाँ पे हील कर लेते हैं अपने पोकेमॉन्स को, एंड देन मैं आगे बढ़ता हूँ अपने एडवेंचर पे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे वाइल्ड पोकेमॉन मुझे वैसे तो रोक रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक और बग कैचर मिल गया भाई। इन सबके पास वाइल्ड पोकेमॉन है जो कि एक्चुअली में बग पोकेमॉन्स है, और यहाँ पे वीडल कैटरपी सबके पास ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे आने के बाद एक और बग कैचर मिल जाता है मुझे, और यहाँ पे इसको भी मुझे हराना पड़ेगा। इसको हराने के लिए यहाँ पे कैटरपी है इसके पास, तो यहाँ पे हम लोग को पिकाचू का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे पिकाचू सुपर इफेक्टिव तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम लोग इसको हरा देते हैं।
यहाँ पे एक और बग कैचर मिल गया भाई, क्या दिक्कत है इनको। इसके पास एक बटरफ्री, वैसे बटरफ्री मैं भी पकड़ता अगर मेरे पास एश ग्रे होता तो, बिकॉज जहाँ पे लेट्स गो पिकाचू है तो बटरफ्री हम लोग का किसी काम का नहीं होगा। सो यार डेट्स वाई मैं यहाँ पे बटरफ्री नहीं पकड़ने वाला। इसके बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ भाई वरीडियन फॉरेस्ट से, और यहाँ पे हम लोग जाने वाले प्यूटर शहर, और हम लोग प्यूटर शहर में पहुंच चुके। यहाँ पे पोकेमॉन सेंटर में मैं जाता हूँ एंड अपने पोकेमॉन्स को सबसे पहले हील कर लेता हूँ। यहाँ पे पोकेमार्ट में जाके मैं जिम के लिए पोशन वगैरह खरीदता हूँ एंड देन जिम के अंदर हम लोग आते हैं एंड यहाँ पे ब्रॉक खड़ा है। सो यार लेट्स डिफीट हिम एंड अपना पहला जिम बैच जीतते हैं। यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ भाई सोबल का, बिकॉज यहाँ पे सोबल हम लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है, जैसे कि मैंने सोचा था ये सुपर इफेक्टिव होगा। यहाँ पे ब्रॉक का सेकंड पोकेमॉन है ऑनिक्स, तो यहाँ पे हम लोग वाटर पल्स करेंगे और इजीली यार इस बैटल को जीत सकते हैं। ब्रॉक के पास दो पोकेमॉन नहीं भाई, यहाँ पे चार पोकेमॉन है, तो ठीक है गाइज। यहाँ पे ओमनाइट आया, उसको भी हरा दिया हमने एंड सोबल के लेवल अप अच्छी खासी हो रही है यहाँ पे पूरे जंगल में, आई मीन वरीडियन फॉरेस्ट में इसका लेवल अच्छा हुआ और पिकाचू का भी। और इसी के साथ सोबल इवॉल्व हो जाता है भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि सोबल इवॉल्व भी होता है। मैं एक समय के लिए भूल गया था कि सोबल इवॉल्व होता भी है फिर नहीं। तो फिर ठीक है गाइज, यहाँ पे हम लोग का सामना हो जाता है एक गैडी जैसे दिखने वाले बंदे से, और मे बी ये ब्लू हो सकता है। उसके बाद मैं इसको हरा देता हूँ, इसका नाम है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का सामना होता है काफी सारे ट्रेनर से, जो कि ऐसे रैंडम ट्रेनर्स होते हैं, और इनको हम लोग हरा देते हैं। और इसी बीच पिकाचू का लेवल अब भी अच्छा खासा हो रहा है, बट एटलीस्ट हम लोग का पिकाचू का लेवल 25 टू 30 होना ही चाहिए सेकंड जिम में, बिकॉज यहाँ पे मिस्टिका स्टारमी और स्टारियो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम लोग इनको हराते रहते हैं। सो गाइस इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ट्रेनर खत्म ही नहीं हो रहे यार, मैं तो इन सबको हराए जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पिकाचू पॉइजन्ड हो जाता है एंड दैट्स व्हाई मुझे वापस से सरुलियन शहर जाना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे प्यूटर शहर वापस जाना होगा, सरुलियन तो हम लोग पहुंचे भी नहीं है। तो गाइस बस बहुत हो गया, इन सबको हराने के बाद हमारा पिकाचू मर जाता है, लेकिन वहीं पे हमारा रूकीडी इवॉल्व हो जाता है, और ये इवॉल्व होके बनता है भाई साहब कॉर्विस्कर। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं माउंट मून में, बिकॉज हम लोग को सरुलियन शहर जाना है तो माउंट मून को पार करना पड़ेगा। यहाँ आगे बढ़ते बढ़ते रास्ता खोज रहा हूँ मैं, लेकिन आप एक बंदे से सामना हो जाता है अपना गलती से। इसको हराने के बाद हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक टीम रॉकेट का बंदा मिल जाता है और ये मुझे फटाफट से चैलेंज कर देता है। और भाई मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि इन सबको एक एक करके हरा ही दूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज हम लोग को आगे भी लड़ना है। और ऐसे टीम रॉकेट के मेंबर्स और लड़े जा रहे हैं मुझसे, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। हमारा ड्रिजल है ना यहाँ पे, वो इसका नाम सच ड्रिजाइल है, ओके ऑल राइट जो भी हो इसका नाम। और इसके बाद एक और टीम रॉकेट का बंदा आ जाता है भाई, रैटटा रख के क्या भाई उखाड़ लोगे। ठीक है गाइस यहाँ पे माउंट मून वाला अंकल आ जाता है अपने सामने, और इस मिगुएल नाम के बंदे को मुझे हराना है। इसके पास है ग्राइमर, तो यहाँ पे वाटर पल्स यूज करते हैं हम लोग, और यहाँ पे इसका वोल्टोर आ जाता है, बट यहाँ पे ड्रिजाइल को मार देता है। कॉर्विस्कर लड़ता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कॉर्विस्कर यहाँ पे हल्का पड़ जाता है, और यहां पे मुझे यूज करना पड़ता है ड्रिजाइल को वापस से। मैं यहां पे आता हूं गेम में, क्योंकि हम लोग हार चुके थे, दैट्स व्हाई हम लोग को इसको फिर से बैटल के लिए चैलेंज करना पड़ा। और यहां पे यार देखो मैं इसको पूरा ट्राई कर रहा हूं हराने का इस बार, बिकॉज इस बार हम लोग का लेवल थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन यहां पे पैरालाइज कर देता है ये मेरे पोकेमॉन को, लेकिन वो कंफ्यूज्ड था, लेकिन फिर भी देखते यार क्या होता है। ठीक है यार, अरे भाई मैं मर सकता हूं, लेकिन यहां पे ड्रिजाइल मर चुका है। इसके बाद पिकाचू आता है, लेकिन पिकाचू इजीली भाई हरा देता है इसको एंड देन हम लोग यहां पे अपना हेलिक्स फॉसिल उठा लेते हैं एंड देन मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता हूँ। यहाँ पे बाहर निकलने का रास्ता मुझे मिल जाता है एंड देन यहाँ पे दो बंदों से मिलता हूँ, और इनसे अपने दोनों पोकेमॉन्स को अच्छे खासे मूव सिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आते हैं सरुलियन शहर में, और यहाँ पे मैं किसके घर में घुस गया भाई, सॉरी। ओके गाइस यहाँ पे हम लोग आते हैं पोकेमॉन सेंटर के अंदर, बिकॉज हम लोग को हील करना पड़ेगा। माउंट मून में अपने पोकेमॉन्स अच्छा खासा लेवल अप कर चुके, सो आई गेस हाँ ये सही समय है अपने मिस्टी को चैलेंज करने का। यहाँ से मैं बच के निकलने का ट्राई कर रहा हूँ गाइस, तो देखते क्या होता है। ओके ऑल राइट गाइस यहाँ, अरे भाई ठीक है यार, मिस्टी के इस ट्रेनर को पहले हराते हैं हम लोग, और इसको हराने के बाद हम लोग यहाँ पे लड़ने वाले हैं मिस्टी से। सो यार लेट्स डू इट, यहाँ पे देखते हैं क्या मैं ये कर सकता हूँ। और यहाँ पे ये कौन आ गया भाई, इसके पास एक और पोकेमॉन है अभी। सो हाँ गाइस इसको पहले हरा देते हैं, देन हम लोग मिस्टी से लड़ते हैं यहाँ पे। और इसके बाद भाई ये तो कंफ्यूज कर दिया भाई, वाटर टाइप पोकेमॉन काफी कूल है, इसलिए मैं आया हूँ अभी सुपर पोशन खरीदने, बिकॉज मिस्टी को चैलेंज करने से पहले मुझे थोड़ी और भी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद फाइनली मैं मिस्टी को चैलेंज करता हूँ एंड ये अपना सेकंड जिम होगा। यहाँ पे स्टारियू भी काफी ज्यादा पावरफुल था, और स्टार में जिसका डर मुझे पहले से था उसको पिकाचू हरा सकता है इजीली, बट यहाँ पे सुपर पोशन यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पे अपना पिकाचू किसी से कम नहीं है, लेकिन इसके पास तो गोल्डक भी निकला भाई, ये कैसे हो सकता है। ठीक है भाई यहाँ पे ये हैक है तो कुछ भी हो सकता है,
फायर रेड में तो नहीं था। इसके बाद साइडेक को भी हरा देते हैं भाई, साइडेक किसी काम ही का नहीं है इस गेम में। तो यहाँ पे पॉलीवेल भी आता है और यहाँ पे इसको भी हरा देता हूँ मैं। एंड देन फाइनली हम लोग के पास आ चुका है अपना सेकेंड जिम बैज। ओ या गाइज, अब यहाँ पे हम लोग लड़ते हैं इस बंदे से, ठीक है। ये अपना राइवल ही है, इसका नाम है केविन और यहाँ पे भाई इसके पास है पिजियोटो, तो इसको हम लोग को हराना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पिकाचू यूज़ कर सकता हूँ बट यहाँ पे रिजाइल का लेवलअप करना है बिकॉज इसको मैं इवॉल्व करना चाहता हूँ पूरे लास्ट स्टेज तक। यहाँ पे पिकाचू का भी यूज़ करता हूँ बट तब यहाँ पे ईवी उसका ना पैरालाइज हो जाता है और इसके बाद पिकाचू से ईजिली मैं उसको हरा देता हूँ एंड देन हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे चला जाता बट वापस आता है, लेकिन यहाँ पे मुझे देता है फीम चेकर। एंड देन यहाँ पे ब्रिज पे काफी सारे बंदों से मेरा सामना होने वाला है और ये रहा वो पहला बंदा जिसके पास है वेनोनेट और मेटापॉड। इसके बाद एक और बंदा मुझे यहाँ पे चैलेंज कर देता है जैसा कि मुझे लगता है। यस ये भाई, ये क्या हो रहा है? ओके गाइज, यहाँ पे पैरिस है उसके पास एंड देन यहाँ पे मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ डूड कि यहाँ पे मैं इसको हरा दूँ। यहाँ पे पैरालाइज हो चुका है, उसका पैरिस मर चुका है, यहाँ पे अपना पिकाचू यहाँ पे पॉइजन हो चुका है। डैट्स वाई मुझे पोकेमॉन सेंटर वापस जाना पड़ा, लेकिन यहाँ पे शैंड शुरू को मैंने इजीली मार दिया है बिकॉज वहाँ पे हम लोग के पास पावर है, एडवांटेज अपने पास। और यहाँ पे एक और ट्रेनर भाई साहब इसके पास है नीडो रिनो, बट हम लोग इसको ईजिली फिनिश कर देते हैं। नीडो रिना भी इसके पास एंड हम लोग ईजिली ये बैटल जीत लेते हैं। यहाँ पे लास्ट बंदा ये आई गेस और इसके बाद एक और बंदा होगा और यहाँ पे मैंकी इसका, सो इसको भी हरा देते हैं। यहाँ पे पता चलता है भाई, भाई ये बंदा तो कोई और निकले तो टीम रॉकेट का बंदा है, ठीक है टीम रॉकेट का बंदा है। इसके पास एक गन्स और यहाँ पे मैं ट्राई करने वाला हूँ इसको मारने का वाटर पल से, सो देखते क्या ये वाटर पल से मर पाएगा। सो गाइस यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ पिकाचू को और ये भेजता अपने जुबैट को, इसने गलती कर दी क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे एडवांटेज आ गया था बिकॉज हम लोग का टाइपिंग इलेक्ट्रिक था यहाँ पे और उसका फ्लाइंग था। यहाँ पे इस मोटा अंकल से बातचीत करते हुए पता चलता है भाई वो अंकल मुझे चैलेंज कर देता है। यहाँ पे बिल के घर में आते हैं, बिल तो पोकेमॉन बना हुआ है भाई, लेकिन यहाँ पे कुछ और पोकेमॉन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको वापस से इंसान बना देते हैं और इंसान बनने के बाद भाई बिल से ले लेते हैं भाई अपना टिकट, ठीक है। ओ माय गॉड, इसने टिकट दे दिया भाई हम लोग को। तो टिकट लेने के बाद हम लोग जाने वाले वर्मिलियन शहर, ठीक है। ऐसा रास्ता है ना भाई, मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये कैसा गेम है भाई? अरे भाई किसने बनाया ये गेम? चलो जिसने बनाया है काफी बढ़िया गेम है। और यहाँ पे हम लोग आते हैं इस घर के अंदर बाहर, कहाँ जाऊँ मैं? उसके बाद यहाँ पे एक टीम रॉकेट का बंदा मिल जाता है, तो भाई टीम रॉकेट में तो आग लगा दूंगा मैं, रेड हूँ रेड। ओके गाइज, यहाँ पे हम लोग लड़ते हैं ड्राउजी से जो कि अपने आप में ही काला जादूगर था। और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे और मेरी फेवरेट जगह अंडरग्राउंड पाथ, और इसके अंदर हम लोग आते हैं एंड देन मैं यहाँ पे भाई बाहर निकलता हूँ रूट 6 पे एंड देन यहाँ पे इन बंदों से मुझे बच के रहना है बिकॉज यहाँ पे इनसे बैटल करना मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ लेकिन यहाँ पे ठीक है यार, आ जाओ यहाँ से आते हैं। ओके फाइनली यार हम लोग आ चुके हैं वर्मिलियन शहर में, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे थर्ड जिम में नहीं जा सकते बिकॉज हम लोग को चाहिए होगा कट एचएम। सो यार कट एचएम के लिए हम लोग को यहाँ पे आई गेस यहाँ से जाना था भाई, यहाँ से जाना था ना, ठीक है यहाँ पे जाना था। और यहाँ से जाने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे एसएस एनए शिप के अंदर। एसएस एनए शिप के अंदर आने के बाद यू नो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ इस साइड पे एंड यहाँ पे आ जाता है अपना राइवल। ओके गाइस यहाँ पे राइवल आ चुका है, इसके पास है पिजियोटो और यहाँ पे हम लोग इसको हरा देते हैं। ओके गाइज आ जाओ, यहाँ पे पिकाचू मर चुका है लेकिन रिजाइल यहाँ पे इवॉल्व हो चुका है इंटेलियन में। ओ माय गॉड गाइज, यहाँ पे हम लोग हराने वाले इसके पिजियोटो को एंड फाइनली यार हम लोग इसको हरा चुके हैं। एंड देन यहाँ पे इसके पास तीन पोकेमॉन और है यहाँ पे, तो यहाँ पे ईवी है इसके पास, ईवी का 33 लेवल है लेकिन अपना 35 है। यहाँ पे वॉर टर्टल पे मैं यूज करने वाला हूँ पिकाचू बिकॉज यहाँ पे अपने पास एडवांटेज होगा एंड देन हम लोग इजीली इसको हरा देते हैं। इसको हराने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ इसके पास है कडाबरा, सो इसको भी हराना पड़ेगा। ओके गाइज यहाँ पे आ जाओ भाई। ओके इजीली भाई ये हार चुका है, ठीक है हम लोग जाने वाले ऊपर की साइड पे बिकॉज हम लोग को यहाँ पे चाहिए एचएम जो कि कट वाला होगा और यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है इनकी मदद करने के बाद एचएम 1 जो कि है कट। और यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं इसको, लेकिन इसको सिखाना पड़ेगा किसी को, तो मैं कॉर्विस्कर को सिखाने वाला हूँ इसको। ओ माय गॉड फाइनली कॉर्विस्कर सीख चुका है कट एचएम को एंड देन बाय बाय एसएसएनशिप। देन मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे कट करके थर्ड जिम के अंदर बिकॉज यहाँ पे मुझे चाहिए अपना जिम बैज। तो हाँ भाई आ जाओ यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ पर देखता हूँ इस बंदे के पास अच्छे खासे पोकेमोन है, बट यहाँ पर हम लोग इस बंदे से बात करने के बाद यहाँ से फ्लाइंग रॉड फिशिंग रॉड मिल जाता है, ठीक है, फिशिंग रॉड। यहाँ पे हम लोग अंदर आते हैं और यहाँ पे एक और बंदे से बैटल हो जाती है, अपने अचानक से बैटल हो जाती है भाई। अब बंदे रोक ले रहे मुझे क्या भाई। यहाँ पर आईचू को हराने के बाद हम लोग फाइनली एल्टी सर्ज से लड़ने वाले हैं, और यहाँ पे इसके पास वोल्ट ऑर्ब, और यहाँ पे थोड़ा मुझे मुश्किल होगा बिकॉज यहाँ पे अपने पास एडवांटेज नहीं है, बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं है, पता नहीं क्या होने वाला है। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, ठीक है यहाँ पे हम लोग देखने वाले क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने यहाँ पे अपना थर्ड जिम भी जीत लिया है और हम लोग को मिल चुका है थर्ड जिम बैच, जो कि है क्या नाम है इसका नीचे कमेंट करके आपको बताना, ठीक है थर्ड जिम का नाम क्या है और इसके जिम बैच का भी। इसके बाद मैं जाने वाला हूँ आगे की साइड पे, बट उससे पहले हम लोग को पोकेमॉन सेंटर जाके अपने पोकेमॉन्स को हील करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग, अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये तो इवॉल्व हो गया कॉर्वी नाइट में, इवॉल्व हो गया ये। और यहाँ पर डिग्लेट केव में इस अंकल से बात करता हूँ मैं, और यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता भाई हम लोग को तो, ठीक है गाइज यहाँ पे हम लोग देखते हैं पर लैपरेस को हम लोग हरा देते हैं। हराने के बाद लैपरेस हार जाती है, देन हम लोग यहाँ पे इस ट्रेनर को हराने के बाद आगे बढ़ते हैं अंडरग्राउंड पार्ट की ओर। अंडरग्राउंड पाथ में आने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ ऊपर की साइड पे, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं मिलती है और आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, बट हाँ सो गाइस यहाँ पे मैं इसको पहले हरा देता हूँ जो कि है स्पियरो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अंडरग्राउंड पाथ की मदद से, और यहाँ पे इस बार मुझे यहाँ नहीं बल्कि यहाँ से जाना था, और यहाँ पर मैं कट यूज करके जाता हूँ यहाँ पे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, डैट्स वाई मुझे इस ट्रेनर से बैटल करनी पड़ेगी। तभी अपना नीडो रैन जो है इवॉल्व हो जाता है, ठीक है यहाँ पे नीडो रैन इवॉल्व हो चुका है नीडो रिनो में। उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे रॉक टनल को ढूंढने के लिए, और यहाँ पे फाइनली मिल चुका है, लेकिन उससे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा पोकेमॉन सेंटर के अंदर। लेकिन रास्ता किधर से भाई, तब तक मैं हील कर लेता हूँ, हील करने के बाद मैं जाता हूँ पोकेमॉन सेंटर के बाद रॉक टनल के अंदर, उसके बाद मुझे यहाँ पे 10 सालों के बाद मैं इसको पार कर पाता हूँ। उसके बाद भाई ये पोकेमॉन्स जाने ही नहीं दे रहे ना, ठीक है यहाँ पे जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे रास्ता ढूंढ ही लेता हूँ, एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके, एंड इसके बाद मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, अरे अरे मैं आ चुका हूँ लैवेंडर टाउन में, ठीक है यहाँ पे लैवेंडर टाउन में आने के बाद मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे। अरे भाई पोकेमॉन सेंटर के अंदर जाने दे, ठीक है यहाँ पे लैवेंडर टाउन में अपना कोई काम नहीं, तो यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंकी को हराना पड़ेगा जो कि एक ट्रेनर का है, डोडरियो डोडियो, ठीक है पर्शियन भाई। काफ़ी सारे बैटल हो रहे यार, अभी तो बैटल होंगे, ठीक है अब यहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, सो इन सबको एक एक करके हराता हूँ। एंड यहाँ पे इंटेलियन का लेवल 66 हो चुका है, जो कि मैंने सोचा नहीं था बिकॉज इस गेम में काफ़ी जल्दी लेवल अप होता है, तो ये गेम काफ़ी बढ़िया मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपी देने में कंजूसी नहीं कर रहे लोग, तो यहाँ पे लेवल अप अच्छा खासा हो रहा है। और यहाँ पे अंडरग्राउंड पाथ में वापस आता हूँ मैं यहाँ पे, एंड देन गेस व्हाट, मैं पहुंचने वाला हूं यहां से, कहां से भाई, कहां से, यहां से क्या, ठीक है यहां से नहीं, सेलेडोन शहर हम लोग आ चुके हैं। दुख की बात तो ये कि सेलेडोन शहर में किसी ने भी मेरा वेलकम नहीं किया, बट कोई बात नहीं यार, हम लोग जाते हैं फोर्थ जिम की तरफ। यहां पे मेरा सामना होने वाला एडिका से, लेकिन उससे पहले उसके जिम के जो ट्रेनर्स हैं उनको हम लोग को हराना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। यहां पे पिकाचू को मैंने फायर पंच सिखा दिया था एक बंदे से, डैट्स व्हाई हम लोग के पास एडवांटेज होगा। और यहां पे मैं फाइनली यार एडिका से लड़ने वाला हूं। अरे भाई भाई यार, ठीक है यार हम लोग यहाँ पे लड़ने वाले हैं एडिका से, भाई साहब विक्ट्री बेल। ओके गाइस यहाँ पे फायर पंच यूज करता हूँ मैं, और यहाँ पे अरे भाई पिकाचू को भाई मारो मत यार, पिकाचू यार इतना क्यूट है। ठीक है गाइस यहाँ पे इसको हराने के बाद इसके पास एक और पोकेमॉन है, लेकिन पिकाचू पैरालाइज पड़ जाता है। यहाँ पे वीनस और मेगा इवॉल्व हो जाता है, ओ माई गॉड। ठीक है भाई यहाँ पे वीनस और, अरे भाई हरा दिया जिससे एडवांटेज था भाई उसी को हरा दिया भाई। ठीक है गाइस यहाँ पे ड्रिल पैक यूज करते हैं, अरे सुपर इफेक्टिव है, ठीक है ड्रिल पैक सुपर इफेक्टिव है, यहाँ पे सुपर इफेक्टिव है, तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज करने वाले हैं और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। डूड यहाँ पे ये तो सुपर इफेक्टिव निकला भाई, मैंने सोचा नहीं था कि कॉर्वी नाइट हम लोग को आगे इतनी ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज यहाँ पे पिकाचू मर चुका था, लेकिन यहाँ पे स्टिल काफी बढ़िया किया कॉर्वी नाइट ने। और यहाँ पे हम लोग लीडर एडिका को हरा के अपना फोर्थ जिम बैज ले चुके हैं, और इस जिम बैज के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे इस ट्रेडिंग वाले बंदे से। यहाँ पे इसके पास अच्छे खासे पोकेमॉन है, जैसे कि मैंने मेटैंग और मोल्ट्रेस ले लिया इसे ट्रेड करके। और यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे, अरे पिकाचू भाई साहब मेरा पिकाचू मिल गया मुझे, लेकिन गाइस यहाँ पे दुख की बात ये है कि मैंने पिकाचू गलती से ट्रेड कर दिया, और यहाँ पे इसके बाद मुझे मिलता है घटिया सा पोकेमॉन ग्रीनिंजा ग्राउडॉन। भाई क्या क्या है इसके पास,
गाइज यहाँ पे अपनी टीम काफी बढ़िया बने जा रही है, लेकिन यहाँ पे काफी सारे पोकेमोन मैंने खो भी दिए, लेकिन फाइनल रिजल्ट में मेरे पास ये पोकेमोन्स आए हैं और ये अपने फाइनल पोकेमोन्स होंगे जहाँ पे हम लोग के पास अच्छे खासे पोकेमोन है, जैसे कि ग्राउडॉन और यहाँ पे डिओक्सिस, ड्रैगनाइट, कोबेलियन और भी काफी सारे पोकेमोन्स है। सो इसी के साथ हमने अल्ट्रा बीस्ट वाला यहाँ पे चैलेंज कम्प्लीट कर लिया है और यहाँ पे लेजेंडरी पोकेमोन अपने पास यहाँ पे दो आ चुके हैं टीम में। सो गाइज यहाँ पे एक टीम रॉकेट के बंदे से मेरा फाइट हो जाता है, यहाँ पे इसके पास रैटिकेट और यहाँ पे मुझे अर्थक्वेक का यूज करना होगा, बिकॉज यहाँ पे कैसे भी करके हम लोग को रॉकेट हाइडआउट के अंदर पहुंचना है कैसे भी करके, और इसको हम लोग को हराना पड़ेगा तभी वो सीक्रेट बेस का रास्ता ओपन होगा। तो यहाँ पे इसके पास गोल्ड बैट है तो यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा इरप्शन या फिर मचाडो यूज करता हूँ। अरे भाई ये भी नहीं हार रहा यार, तो जैसे कैसे करके मैंने इसको हरा दिया है और यहाँ पे ग्राउडॉन पॉइजन्ड हो गया अपना। लेकिन इसके बाद मैं जाता हूँ अंदर इसके सीक्रेट हाइडआउट में, जो कि यहाँ पे टीम रॉकेट के काफी सारे बंदों से मेरा सामना हो जाता है। इसके पास से जुबैट इसको हरा दिया, इसके पास से गोल्ड बैट इसको भी हरा देता हूँ, भाई हार जा। ठीक है गाइस, इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे मून स्टोन लेता हूँ, ईथर लेता हूँ, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और बंदे से सामना हो जाता है, मैं यहाँ पे ना छुप छुप के खेल रहा हूँ, कई टीम रॉकेट के बंदे अपने को ही ना पकड़ ले भाई, सीरियसली यार। हम लोग चोरों के घर में चोरी करने तो नहीं आए, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं यहाँ पे छुप के चल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे टीम रॉकेट से बोरिंग लगता है यार बैटल करना। सेम घिसे पीटे पोकेमॉन है इनके पास, गोल्ड बैट और क्या हो सकता है भाई, देख लो भाई इसके पास भी गोल्ड बैट है यार, एकेंस आरबॉक यही सब तो है इनके पास। तो जैसे तैसे करके यार हम लोग इनको हराने वाले हैं और इसके बाद इसके पास है एकेंस, तो यहाँ पे इरप्शन का यूज करके मैं इसको भी हरा देता हूँ। आरबॉक पे अर्थक्वेक यूज किया और शैंड शुरू पे भी यूज करता हूँ अर्थक्वेक, और इसके बाद भाई शैंड शुरू थोड़ी सी एचपी से रह जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग हराने वाले हैं जियोवानी को, लेकिन ग्राउडॉन अपना अभी भी पॉइजन्ड था, लेकिन देखते क्या होगा, हम लोग हरा पाएंगे या फिर नहीं। यहाँ पर रेस्ट यूज करके मैंने यहाँ पे ग्राउडॉन को सुला दिया है और यहाँ पे क्या होगा, ग्राउडॉन का पॉइजन जो था ना वो हट जाएगा, और इसके बाद ग्राउडॉन जाग चुका है और यहाँ पे इसके राइडॉन को हरा दिया, मेगा कंगेस खान भाई साहब। तो फिर ठीक है गाइज, हम लोग के पास मेगा इवोल्यूशन नहीं है, मेगा ब्रेसलेट तो है, लेकिन हम लोग किसको मेगा इवॉल्व करें बताओ, किसको इवॉल्व करें मेगा पोकेमॉन में। लेकिन अपने पास है लेजेंडरी पोकेमॉन तो मेगा इवोल्यूशन घंटा कुछ नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे जियोवानी को हराने के बाद मैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहता हूँ, सैफ्रॉन शहर में आगे बढ़ता हूँ। मैं यहाँ पे सैफ्रॉन शहर में आगे बढ़ने के बाद मैं यहाँ पे लड़ता हूँ यहाँ की जिम लीडर से, और इसका नाम सैबरीना था। इसको हराने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे पैलेट टाउन, और पैलेट टाउन में क्यों जा रहा हूँ आप लोग को पता है ऑलरेडी, यहाँ पे पैलेट टाउन से हम लोग का रास्ता खुलने वाला यहाँ का, और कहाँ हम लोग जाने वाले हैं, गेस करो कहाँ जाने वाले हैं। ओ यह ऑफ कोर्स हम लोग जाने वाले सिनेबार आइलैंड, और सिनेबार आइलैंड का रास्ता इधर से ही है, इसलिए हम लोग को पैलेट टाउन आना पड़ा। इसके बाद यहाँ पे काफी सारे ट्रेनर थे, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा नीडो किंग यहाँ पे ब्लास्टोइस जैसा क्यों लग रहा है, इसकी शक्ल पे ध्यान से देखो भाई, ये तो ब्लास्टोइस है। ओके गाइस, तो यहाँ पे जैसे तैसे करके हम लोग को काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करते हुए यहाँ पे एक बैटल हो जाती है अपनी यार, नहीं लड़ना मुझे, और यहाँ पे अपना पोकेमॉन वैसे 100 लेवल का हो चुका है, क्योंकि इस गेम में काफी जल्दी ईएक्सपी काफी ज्यादा ईएक्सपी मिलती है। इसके बाद इसको हराने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और फाइनली यार सिनेबार आइलैंड आ जाते हैं। सिनेबार आइलैंड में जाने के बाद मैं यहाँ पे कम से कम 5 घंटे लगाता हूँ, देन मुझे यहाँ पे सीक्रेट की जैसे तैसे मिल जाती है, और इसके बाद मैं यार लड़ता हूँ 7th जिम बैज के लिए, और यहाँ पे मैं उसको भी हरा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे बिल से अपना यहाँ पे मामला सुलझाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 1, 2, 3 आइलैंड भी तो है। तो फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते अपने एडवेंचर पे, देन मुझे बिल बुलाता है अपने 1 आइलैंड पे। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे स्टैलियो नाम के बंदे से मिलता हूँ, एंड देन यहाँ पे मुझे मिलता है, देखते क्या मिलता है, आई गेस कुछ मिल सकता है जैसा कि मुझे लगा था। यहाँ पे हम लोग को मिलने वाला है, अरे भाई दे देना जल्दी से जो भी देना है इसको, ठीक है। यहाँ पे मीटियोराइट और ट्राई टिकट और ट्राई पास हम लोग को दे दिया गया है, और इसके बाद टाउन मैप भी दे दिया है। हम लोग जाने वाले यहाँ पे 2 आइलैंड पे। ओके गाइस, यहाँ पे मैं आता हूँ इन अंकल से बात करते हुए। यहाँ इनकी शिप में जाने के बाद हम लोग पहुँचते हैं 2 आइलैंड पे। यहाँ पे आने के बाद जितना मुझे याद है, यहाँ पे एक अंकल की बेटी को हम लोग को बचाना था, लेकिन उससे पहले इस अंकल से बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे वो रहे वो टकले अंकल, अरे अंकल, अरे जैसा कि मुझे लगा था यहाँ पे एक बाइक राइडर आ जाएगा, अरे भाई ये तो इसको धमकी दे के गया है। तो फिर ठीक है यार, आ जाओ हम लोग जाते हैं 3 आइलैंड पे। 3 आइलैंड पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे दो बाइकर्स का कब्जा है।
ओके गाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाइकर्स की फौज है भाई साहब, ये क्या चीज़ है। ठीक है यहाँ पे एक एक करके सबके साथ मुझे चैलेंज करते हैं, बट इनके चैलेंज से मैं डरता नहीं हूँ। और इसके बाद ग्राइमर से हम लोग यहाँ पे पंगे लेते हैं और एक एक करके इसके हर एक बंदे को मैं हराना शुरू करता हूँ। अर्थक्वेक के अपने पास, भाई इनके पोकेमॉन्स का लेवल तो देखो भाई 84, भाई साहब ग्राइमर 84 लेवल का करके रखा है भाई ने। ठीक है भाई 84 लेवल के 100 कर लो भाई उसको भी। यहाँ पे मैं इसके बॉस से लड़ता हूँ, इसके बॉस के पास है ग्रैंड बुल और यहाँ पे इसको हम लोग को हराना पड़ेगा। अर्थक्वेक का यूज करता हूँ मैं यहाँ पे और जैसे तैसे करके यहाँ पे क्रिटिकल हिट लग जाता है, देन अर्थ रिंग भी आता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ रिंग भी काफी ज्यादा पावरफुल था और डैट्स वाई यहाँ पे मैंने पहले इसको सुला दिया है। और यहाँ पे हम लोग फाइनली यार इन सभी बाइक राइडर्स को हरा देते हैं और यहाँ पे हम लोग को मिलता है फुल रिस्टोर। भाई साहब इतनी मेहनत करो और फुल रिस्टोर लो भाई, ठीक है यार चीटिंग कर लो यार तुम लोग भी। ठीक है यहाँ पे आगे बढ़ते हम लोग, एंड यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग का सामना होता है वाइल्ड पोकेमॉन से, लेकिन यहाँ पे एक अचानक से भाई साहब इटरनेटस आ जाता है अपने सामने। मुझे याद है यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे सैफ्रॉन शहर में भाई मास्टर बॉल मिला था और मास्टर बॉल से मैंने इसको कैच कर लिया भाई साहब। और इसी के साथ अपना एक और चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे हम लोग पकड़ लेते हैं पूरे 3 नहीं पूरे 4 4 लेजेंडरी पोकेमॉन को। और अपना बस लास्ट चैलेंज बचा है और वो पता है क्या, कांटो का चैंपियन बनना। बट उससे पहले यहाँ पे एक जंगल है, यहाँ पे इसके अंदर जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का सामना होता है सुकून से, लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं यार, कुछ है ही नहीं मेरे पास मास्टर बॉल। अल्ट्रा बॉल से आएगा कि नहीं आएगा कोई ठीक थोड़ी है। यहाँ पे अब एक हिट भी लगाना इसको, मेरे पूरे पोकेमॉन 100 लेवल के हो चुके हैं, एक हिट भी लगाना इसको तो यही का यही मर जाएगा और मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने पहले इसको सुला दिया है जर्की ट्रिक की मदद से, लेकिन यहाँ पे देखते हैं ये मरेगा या फिर जिंदा रहेगा। अल्ट्रा बॉल अल्ट्रा बॉल। सो गाइस इसके बाद मैं फाइनली लास्ट वाला अल्ट्रा बॉल फेंकने जा रहा हूँ, एंड फाइनली यार अल्ट्रा बॉल में आ चुका है वो भी लास्ट वाले में। और यहाँ पे एक और बार बैटल होती है, अपने सामने आ चुका है जैशियन, लेकिन बदकिस्मती के कारण हम लोग के पास एक भी मास्टर बॉल या फिर अल्ट्रा बॉल नहीं बचाता। सो यार डैट्स वाई मैं आ जाता हूँ वरीडियन शहर में और हम लोग जाने वाले हैं पोकेमॉन लीग में। और आखिरकार यार यहाँ पे हम लोग लड़ने वाले आखिरकार इलीट फोर से और चैंपियन से, और हम लोग का आखिरी चैलेंज कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पे सर्फ यूज करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे साइडक है भाई, किसका शक्ल देख लिया मैंने आखिरी समय में। और यहाँ पे मार्स बैज को चेक कर लेता है, एंड देन हम लोग आगे बढ़ने वाले अपने फाइनल स्टेज की ओर। और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई मुश्किलें भी आगे बढ़ रही होती है। यहाँ पे फियरो और काफ़ी सारे वाइल्ड पोकेमॉन होते जो कि आगे बढ़ने से रोक रहे थे। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन आखिरकार विक्ट्री रोड में हम लोग आ जाते हैं। विक्ट्री रोड कैसे पार करना है ये भी मुझे 5 घंटे के बाद मैं आखिरकार इसको पार कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, रूट 23 पाने के बाद हम लोग का सामना हो जाता है यहाँ पे इस बंदे से, और शायद से अपना राइवल है। और यहाँ पे हम लोग राइवल से लड़ लेते हैं जो कि है केविन। और यहाँ पे इसके हर एक पोकेमॉन को मैं इजीली फिनिश ऑफ कर दूंगा बिकॉज अपने पोकेमॉन्स का लेवल 100 हो चुका है मैन। और यहाँ पे इसके पास है मेगा एलकेजैम। सो गाइस इन सभी पोकेमॉन्स को हम लोग को जैसे भी करके हराना पड़ेगा बिकॉज ये काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोग के रास्ते में आ चुका है। और यहाँ पे 100 वोल्ट मैं यूज करने वाला हूँ, अरे भाई 440 वोल्ट का झटका लगा इसको। इसके बाद इसका ईवी आ चुका है भाई, 85 लेवल का ईवी लेके घूम रहा है वो, भाई क्या फायदा होगा उसको ब्लास्टॉइज को हराने के बाद। अरे यहाँ पे मे थी, लेकिन भाई बाहर में जाओ मैं तो जाने वाला हूँ पोकेमॉन लीग के अंदर। नर्स जॉय से मिलने के बाद अपने पोकेमॉन्स को हील कर लेता हूँ, एंड देन हम लोग यहाँ पे पूरी यहाँ पे ना स्ट्रैटेजी से खेलने वाले हैं बिकॉज इलीट फोर ना चैंपियन से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं इस गेम में। और यहाँ पे हम लोग का सामना हो जाता है लॉरेली, और लॉरेली क्या नाम है भाई इसका, लॉरेली नाम है ना इसका, ठीक है यहाँ पे स्लिप कर दिया है। और यहाँ पे यूज करने वाला हूँ मैं यहाँ पे इसका वीकनेस मूव जो कि है थंडर बोल्ट, और यहाँ पे सुपर इफेक्टिव अपने पास एडवांटेज जो है, और यहाँ पे क्लॉस्टर और इसके साथ इसका एक और पोकेमॉन स्लोबरो, इन सबको हम लोग एक ही थंडर बोल्ट से फिनिश ऑफ किए जा रहे बिकॉज यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी से खेल रहा हूँ। यहाँ पे ड्रैगनाइट का सहारा लिया मैंने बिकॉज यहाँ पे अपना ग्राउडॉन भी आएगा, और यहाँ पे सभी पोकेमॉन से कैसे भी करके हम लोग को हराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे तैसे करके कोबेलियन की मदद से, अरे भाई मार दे उसको, आयरन हैंड आयरन हैंड आयरन हैंड। ओके गाइस
फाइनली हार चुका है वो। हम लोग पहले इलीट फोर को हरा चुके, सेकंड इलीट फोर है ब्रूनो, और यहाँ पे इसके पास होगा एडवांटेज, तो हम लोग को भी एडवांटेज लेके खेलना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी से खेलना पड़ेगा। सो या हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं ग्राउडॉन को। ग्राउडॉन चला जा भाई। नहीं, ग्राउडॉन नहीं, अभी फ्लोटेजल यूज करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, फ्लोटेजल, बिकॉज यहाँ पे ऑनिक्स, यहाँ पे एडवांटेज है अपने पास ऑनिक्स के लिए। लेकिन यहाँ पे गलती मैंने ये कर दी, मैंने यहाँ पे सभी पोकेमॉन सिटमॉन चैन पे यूज कर दिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपने पास रिवाइव है, तो मैं सभी पोकेमॉन्स को जिंदा भी कर सकता हूँ यहाँ पे जैसे तैसे करके। यार मैं नीडो किंग की सहायता से यहाँ पे हराने वाला हूँ इन सभी पोकेमॉन्स को। गोलैम भी हार गया उसका, गोलैम हराने के बाद हिटमॉन चैन को मैंने हरा दिया, उसके बाद मचैम्प भी आ गया। भाई साहब मचैम्प पोकेमॉन यूनाइट में काफी बढ़िया पोकेमॉन है ये। उसके बाद गाइस फाइनली यार हम लोग यहाँ पे सेकंड इलीट फोर से लड़ने के बाद यहाँ पे थर्ड इलीट फोर से लड़ने वाले हैं, और इसका नेम होगा, क्या नाम था इसका, हाँ शायद इसका नाम एगाथा था। उसके बाद हम लोग लड़ने वाले भाई साहब, इसके पास है गेंगार, वीनसोर, अच्छा हुआ मेगा इवॉल्व नहीं किया, और इसके पास है शाइनी गोल्ड बैट, ओ माय गॉड। उसके बाद इसके पास है आरबॉक, आरबॉक इसके पास, उसके बाद इसके पास है शाइनी नीडो किंग। भाई साहब इतने सारे शाइनी पोकेमॉन्स है, और आखिरकार एगाथा को हराने के बाद हम लोग जाने वाले आगे, आगे बढ़ने के बाद आखिरकार अपना सामना होने वाला है लैंस, भाई साहब लैंस। और ठीक है यार, ये तो आखिरी स्टेज है, और आखिरी इलीट फोर का मेंबर है जो कि है लैंस, और इसके पास है शाइनी गैराडोस। बट यहाँ पे स्ट्रैटेजी से खेलने वाला हूँ मैं, यहाँ पे मैंने यूज किया जर्की ट्री के थंडर बोल्ट को, और यहाँ पे फ्लाइंग टाइप है एरोडैक्टिल, और यहाँ पे शाइनी मेगा एरोडैक्टिल है। बट अपने पास भी है भाई साहब, इसके पास है शाइनी ड्रैगनेट, भाई सब तीन तीन शाइनी पोकेमॉन्स लेके घूम रहा अकेले, और यहाँ पे जर्की ट्री को यहाँ पे खतरा हो सकता है, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ पोकेमॉन स्विच करके यहाँ पे ग्राउडॉन के यूज करूँ या फिर कौन सा यूज करूँ, आई गेस यहाँ पे ड्रैगनाइट यूज करना सही होगा। ओके गाइज, अरे भाई क्या कर रहा है ये, ठीक है गाइज यहाँ पे फ्लाई यूज करने वाला हूँ मैं। गाइज फ्लाई ना काफी बढ़िया मूव है, कट तो इतना ज्यादा नहीं है लेकिन फ्लाई काफी बढ़िया एचएम है। अरे भाई शाइनी ड्रैगनाइट, भाई साहब पूरा काला पड़ गया वो तो। अरे 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 फ्लोटजल भाई, ठीक है गाइज, ठीक है यहाँ पे वो यूज कर सकता है पोशन आयरन हेड की मदद से, कोबेलियन भाई हरा दे उसको, कोबेलियन कोबेलियन आयरन हेड, आयरन हेड, यहाँ पे वो ड्रैगन डांस यूज कर रहा है। सो गाइज यहाँ पे मुझे लैंस से काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है बैटल करने में, क्योंकि अभी तक जितने भी इलीट फोर से मैंने बैटल की है उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई था तो वो था लैंस, क्योंकि इससे मुझे बैटल करने के लिए पूरे चार बार लड़ना पड़ा है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसे बहुत बार हारा हूँ, और इसके बाद जैसे भी करके मैंने इसको हरा दिया, लेकिन उसके बाद आखिरकार अपना सामना होने वाला अपने राइवल से, जो कि अपने रीजन का चैंपियन बन चुका है, और ये चैंपियन का जो नाम है ना वो अपने सर करना है, और इसके पास जो भी पोकेमॉन है मैं पहले से ही जानता हूँ कौन से पोकेमॉन है, तो अपने पास पूरा एडवांटेज होने वाला है, बिकॉज मैं इसे शुरू से ही लड़ता आ रहा हूँ, जब से प्रोफेसर ओक ने हम दोनों को साथ में पोकेमॉन्स दिए थे तब से मैं जानता हूँ इसके पास कौन कौन से पोकेमॉन है, और इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरा एडवांटेज और स्ट्रैटेजी का यूज करने वाले, और इसके पास है ब्लास्ट टॉयज, और इसका आखिरी पोकेमॉन है, और हम लोग इसको हरा सकते हैं, और जैसे भी करके मैंने इसको हरा दिया, और आखिरकार यार हम लोग बन चुके हैं चैंपियन। और यार ये जर्नी काफी ज्यादा कमाल की रही, बिकॉज इस जर्नी में हमने काफी कुछ किया और काफी कुछ नहीं भी किया। सो गाइस आप लोगों को ये जर्नी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड हाँ यार, इसी के साथ आप लोग इस वीडियो के एंड होने से पहले और इस गेम का खत्म होने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, और अगर आप लोग ने अब लाइक कर ही दिया है तो यार किसका वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है सब बनाने में। तो गाइज मिलता हूँ किसी ऐसी कमाल के चैलेंज में।